अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कौसर न्याजी कॉलोनी नॉर्थ नाजमाबाद में और यहां हमारे आते काफ़ी सारे इलाका मकीन जो थे वो जमा हो चुके हैं। यहां के जो मसाइल हैं उनसे हम पूछते हैं। यहां मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं सबसे पहले कि यहां कितने अरसे से आपकी रिहाइश है? जी तकरीबन 40-42 साल से हमारी इस इलाके की रिहाइश है और मैं यहीं की पैदाइश हूँ। मेरा नाम इरम यासमीन है, गुजर नाली के सदर हूँ। हमारे इलाके में मसले मसाइल है कि ये देख रहे हैं आप, हमारे सामने नाला है, इस नाले की सफाई शुरू दिन से ही नहीं हुई और उसके बाद इस नाले के अंदर जो गंदगी और मच्छर जो पैदा हुआ उससे बीमारियां लाताल्लुक हुई और आज तक कोई अदारा हमारा यहाँ पे सफाई करने के लिए नहीं आया, रोड बनाने के लिए नहीं आया, पूछने के लिए नहीं आया कि आप किस हाल से रह रहे हैं। यहाँ गरीब तबका है, जो अपने आप दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, जो कुछ भी नहीं कर सकता, इन लोगों का मुताज है देखने के लिए कि यहाँ पे जिस तरह की चल रही है हालात चल रहे हैं। कोई पार्टीवाज नहीं आया कि इस मोहल्ले को देखा जाए। ये मोहल्ला हमारा बहुत पुराना मोहल्ला है, तकरीबन 60-70 साल हो गए इस मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि यहाँ आबादी के लिहाज से यहाँ कचरा गंदगी सबसे बड़ा हमारा पानी का है मसला है कि हमारी 6 इंची की लाइन में जो 4 इंची की लाइन है से सामने अपार्टमेंट में जा रही है और आगे जा रही है। इन गरीब बस्तियों में पानी तो आता ही नहीं है। 6 साल हो गए हमें इस पानी के लिए, हम आपस में लड़ते भी हैं मरते भी हैं, भैया पानी हमें चाहिए। यहाँ की जरूरत यार सिर्फ पानी और कुछ नहीं। सेवरेज का निजाम आप देख ले कि यहाँ जो कटिंग के हवाले से लोगों के घर तोड़े गए हैं उसका पानी नदियों में से जमा होके मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग नहीं नहीं मैं समझी नहीं कि जो घर कटिंग होके क्या पानी किस तरह से घरों में जमा है। ये जो कटिंग हुई है गंदगे खोदी हुई है जिसपे पानी का निजाम जो पानी का सेवरेज से जमा हुआ है गंदा पानी उसमें मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से लोग बीमार हुए हैं। तो लोग परेशान है सेवरेज पानी और इस मच्छरों की वजह। ये नाला है जो पीछे नजर आ रहा है, नाला और पीछे हमारे इलाके में जो नाला है नाला भरा हुआ है कचरे से, पूरा भरा हुआ है मच्छर से। उसमें लातादाद मौत भी हो चुकी है, लोग गिर भी चुके हैं क्योंकि घर जब टूटे हैं तो उन्होंने खंदके खोल के पानी हमारा जो पीछे से पानी आता है वहाँ जमा है। अच्छा ये बताएं इस नाले की के साथ कोई हादसा हुआ है? क्योंकि ये तो फुल कचरा गंदगी। देखें जी ये जो नालों की सफाई के बड़े ऐलान होते हैं, ये नाला आपके सामने और इसकी सफाई कितने अरसे से नहीं हुई? ये तकरीबन 2 साल से नहीं हुई इसकी सफाई और ऐसी निजाम है। आप देखें लोगों ने कचरा डाला हुआ है, पानी का कोई जाने का निकासी का कोई जगह ही नहीं कि कहाँ जाए पानी। तो तकलीफ नहीं हो रही यहाँ की आवाम? ज्यादा लोग आवाम को तकलीफ है, तभी तो आप लोगों को बुलाया और आपको ये बताया कि ये देखें ये हाल है, ये हमारी हुकूमत हमारे साथ कर रही है। आवाम क्या कर रही? थोड़ा सा ये बताइए कचरा किसने फेंका? आवाम ही पर ये है कि ये ना उठाने की सफाई के निजाम उठाने के लिए कोई बंदा नहीं है तो आवाम तो परेशान होगी। नहीं पर तुम पर ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आवाम का काम नहीं है, ये इतनी सेंस नहीं है कि नाले के अंदर आप लोग कचरा अपने घर का फेंक रहे हो। मतलब आप हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही, इदारे कुछ नहीं कर रहे, बल्दियात नहीं कर रहे, आप क्या अपने लिए कर रहे हो? आप अपने इलाके के लिए क्या कर रहे हो? जब सफाई अगर आप सफाई नहीं कर सकते तो अपना घर का कचरा तो नाले में ना डाले ना। जब हुक्मरान ही कुछ ऐसा चीज नहीं बनाएगी, कचरे के डब्बे नहीं बनाएगी तो लाजिम बात है आवाम फेंकेगी कचरा इसमें। तो ये इसी तरह आवाम हमारी है उठा के नाले में डाल दे। आपका कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो है कचरे के लिए डस्टबिन नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पे कचरा फेंका जाए, इसलिए यहाँ पे फेंक रहे हैं इसीलिए। अच्छा बारिश में क्या सूरत हाल यहाँ की होती है? क्योंकि ये तो फुल भरा हुआ है, बारिश ज्यादा होती है तो सारा पानी लोगों के घरों में चला जाता है, कचरे के साथ आता है, साथ समेत चला जाता है। और हमारे अब पानी जो बारिशें हुई थी वो इतना पानी था और कचरे समेत लोगों के घरों में पानी घुस गया था। मुश्किल पेश आई, बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। अच्छा पीने का पानी नहीं आ रहा यहाँ? यहाँ पीने का पानी तकरीबन हमें 2 साल से ज्यादा हो गया है यहाँ हमारे पीने का पानी, क्योंकि लाइनें वहाँ स्टॉप की गई हैं कि यहाँ कच्ची आबादियों में पानी ना जाए। स्टॉप की गई है क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्रंट अपार्टमेंट को 6 इंच की लाइन दी थी जो हमारी यहाँ आ रही थी वो हमारी ब्लॉक कर दी है। लोग परेशान है कि पानी के लिए, यहाँ पानी बेचा जाता है पीने के लिए तो मुश्किल, बेचा जाता है पानी। यहाँ के जो लाइन है उन्होंने उनको दी हुई है लाइने कि आप पानी बेचें और इस आवाम को मरने दें। वाटर बोर्ड के पास कभी गए हैं कंप्लेंट? जी वाटर बोर्ड के रोज ही जा रहे हैं शिकायत लेके, आवाम जाती है हम लोग जाते हैं मगर वाटर बोर्ड हमें लॉलीपॉप दे के भेज दिए थे कि पानी आपके लिए कर रहे हैं मगर अभी तक नहीं किया। वहाँ तक हमारी लाइन आगे तक गई है, उसके बाद बंद कर दी गई। अब हमारी यही गुजारिश है कि आप ये हमारे साथ जो आपका है ताउन करें ताकि इस इलाके में पानी आ सके। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के लोग, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बड़े कोई हाई क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास लोग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल इस महंगाई में, तो पानी खरीद के ला रहे हैं वो लोग? जी हाँ ये गरीब तबका है क्योंकि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो यहाँ पानी का मसाइल है कि लोग परेशान होकर पीने का पानी वाशरूम के लिए पानी पैसों से लिया जाता है। तो जब हमारी ये लाइन सीधी हो जाएगी तो इंशाल्लाह पानी को हमें
मांग ये बेच के नहीं लेना पड़ेगा, यानी लोग बेच रहे हैं, हमें पानी मूल खरीदना पड़ता है, तो वो लोग इससे हो जाएंगे। हम लोगों की आवाज यही कि इनको पानी की लाइन क्लियर करके दी जाए। ठीक है जी, इनका ये कहना है यहाँ की सफाई सेवरेज का निजाम बेहतर हो और साथ साथ इस एरिया को पानी दिया जाए। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से रिहाइश पजीर है पहले तो ये बताएं। सर ये मेरी एज तो तकरीबन 37 ईयर ओल्ड है, मगर क्या है कि इस एरिया के अंदर जो है ना तकरीबन जो है ना इस टाइम जो है ना 2 साल के करीब जो है अभी तक जो है ना पानी के लिए बोला गया है। सबने वही बात आ गई, बाजी वाली बात कि ये आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा काम। सबने सिर्फ जो है ना अपना आप जो है ना दिखाने के लिए जो है ना काम सारे कर लिए हैं, मगर अभी तक जो है चाहे आप आपकी कम्युनिटी होगी चाहे हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी होगी, अभी तक जो है ना इन लोगों ने कोई सूटेबल नहीं किया। ये सिर्फ वही बात आ गई, लॉलीपॉप वाली बात आ गई, लॉलीपॉप ही दिखा रहे हैं हमें, और अपने काम पूरे करें, अपने वोटिंग वगैरह हर एक चीज सिस्टम वगैरह वो एक कवरेज दे रहे हैं, मगर अभी तक हमारे लिए कुछ निज़ाम नहीं। ये आपके सामने जो इन्होंने शोर तो किया हुआ है सिवलीज का निज़ाम, ये गंदगी का देखे, अब ये बोरे डेंगी, ये हो गया वो हो गया, अभी तक तो वही चल रहा है। क्या कौन सा इधर आके कवरेज दी है इन लोगों ने? चलो ये तो मैं तो आपका ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा बन है कि जो आप लोग आए हो हमारे इस एरिया की कवरेज कर रहे हैं, और ये तो मैं आपका बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आप लोग इधर हमारे एरिया के अंदर आए कौशल न्याजी कॉलोनी के अंदर ब्लॉक एफ के अंदर, ये आपका वजह से ये है कि चलो हमारी आगे तक तो कंप्लेंट कवरेज की जाए जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि घर में अब जो पानी है जो इस्तेमाल होता है वो रोज खरीद के लाते हैं जी? एक्चुअली वो तो खरीद के ला रहे हैं, या जिनके घरों के अंदर बोरिंग का निजाम है वो बोरिंग के जरिए। आपके पास बोरिंग है या खरीद के? भी हम अपने पड़ोसी से कर रहे थे, या फिर वो दूसरे से पड़ोसी से कर लेते, वो बोरिंग का निजाम पानी पीने के लिए मीठा पानी वो आगे से फिल्टर वो प्लांट से लेके आ रहे हैं, ये चक्कर है। तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है जी सर। और आगे सर्दियां भी है बहुत ज्यादा। अब यही तो चाहिए है कि हम यही चाह रहे हैं कि हमारे ये आपकी कम्युनिटी क्या हो या हमारी कम्युनिटी है, हम दोनों को जो है ना इस एरिया के अंदर ब्लॉक एफ के अंदर, मैं ये समझती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं। हाँ तो हैं, मगर क्या है कि ये देखा जाए सबको एक जैसा इक्वल समझे, ऐसा ही है तो भी ऐसा ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर क्या है कि अभी ये है कि 2 साल से हमें पूरा ये बैन कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा, तो इसलिए जो है कि ये आपका बहुत बड़ा पन फिर दोबारा कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी है कि जो भी ऐसा एरिया है हमने वहाँ जाना है, ये हमारा काम है, और यहाँ भी हम जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं और पाकिस्तानी है। बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताएं, ये जो बारिशें हुई उसके अलावा सीवरेज का निजाम घरों में किस तरह है? मुझे बाहर का तो समझ आ गया, घरों की क्या सूरत हाल? घरों की सूरत हाल क्या है कि जब आप अभी कवरेज आगे कवरेज करेंगे ना तो आपको खुद देखेंगे, ये देखें ये ऊंचाई की सतह है, ये सतह ऊंचाई की है, और जब उधर जाएंगे बिल्कुल डीपनेस जाएंगे, बिल्कुल तकरीबन 4 से 5 फीट नीचे गिराई आएगी। जब या आप रिटर्न होंगे वो देखेंगे आपको पूरा कवरेज आएगा, ये 10 फीट पानी तो फिर वो आएगा ना, ये ऊंचाई की सतह है, वो डीप जब गया है ऊपर आएगा पानी, ये गलियों में खड़ा होता होगा पानी, घरों में जिनके नीचे घर है उनके 4-4 फीट तक पानी आया है घरों के अंदर, 3 से 4 फीट तक पानी आ गया है, ये चक्कर है। अच्छा तो अब जिस तरह से जो नीचे के घर हैं उनके घरों में जरूरी नहीं है कि बारिश हो तो गटर का पानी आता है, जब गटर बंद होते हैं उनके किचन से वॉशरूम से पानी आता है जी जी, ये चीज़ है। और बीमारियां कितनी फैल रही हैं? बीमारी तो बहुत ज्यादा है इस टाइम, तो वो तो आप खुद इन चीज को फॉलो कर रहे हैं कि बीमारी तो जाहिर सी बात है, ये डेंगू ने तो इस टाइम किया हुआ है, ये बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है काम। कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही देना चाह रहे हैं मैसेज के अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को जो है ना बहुत अच्छी तनकीद दे कि हर बंदे के लिए जैसे अपने आपने यशों के आराम के लिए बैठे हुए ना, वैसे हमें गरीबों को भी थोड़ी सी निश्चित के ऊपर बिठाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से जब मैं वापस आई हूं तो लोकेशन मैंने चेंज कर ली, इलाका वही है, थोड़ा सा आगे आके अब मैं यहां के जो लोग हैं उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं यहां के क्या क्या मसाइल हैं, किस मुश्किलात से आप गुजर रहे हैं? यहां के मसाइल तो बुनियादी जो है वो पानी का है, तो अरसा तकरीबन 30 से 35 साल में यहां पानी का मसाइल है,
और ख़ास तौर पे हमारी जो क्रिश्चियन आबादी है उनको तो पानी मिल ही नहीं रहा। उनकी जो लाइन है वो अक्सर क्योंकि वो नाले से आ रही है या सैफी कॉलेज से, तो वो हमेशा डैमेज हो जाती है। जब भी वहाँ सफाई के लिए आते हैं तो डैमेज हो जाती है, फिर हम अपनी मदद आपके तहत उसको रिपेयर करवाते हैं। दूसरी लाइन जो 6 इंच की आ रही है वो भी इसी तरह है, वो साथ साथ है, वो भी डैमेज कर जाते हैं, तो उसको अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि फिर जब उसको रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर क्योंकि बहुत सारा कचरा पीछे नाले के अंदर है तो वो कचरा सारा आ जाता है, वो तकरीबन आगे लाइनों तक होता है तकरीबन, फिर वो उसकी हम अपने मदद आपके तहत जो मोहल्ले के लोग हैं इनसे हम लोग चंदा करते हैं और चंदा करने के बाद उसमें राडिंग करवाते हैं, तो वो भी फिर जो शुरू की आबादी है उसको पानी मिल जाता है लेकिन आगे नहीं मिलता। अच्छा, आपकी तरफ आता पानी? हाँ, यहाँ आता है, यहाँ तक आता है। और क्रिश्चियन आबादी थोड़ी सी दूर है? वो दूर है, उनकी 6 उनकी 4 की लाइन है वो भी चौक हो गई। अभी तकरीबन कोई 1 माह से वो जो है ना इन्होंने नई लाइन लेकर आ रहे थे, तो वो मंसूबा जो बना है लेकिन वो भी छोड़ दिया गया, अधूरा है, तो वो उसकी वजह से वो वहाँ से डैमेज हो गई है, तो अब उसको भी कोई रिपेयर नहीं कर रहा। अच्छा, सेवरेज का निजाम यहाँ पे कैसा है? सेवरेज का निजाम जो है वो तकरीबन अपनी मदद आपके तहत था, तो थोड़ा सा जो है ना अभी काम थोड़ा सा हुआ है, कुछ लाइनें उन्होंने पाइप जो है नए दिए हैं, तो कुछ लाइनें सही है और कुछ ज्यादातर ये जो हमारी गली है इस यहाँ ये हमने तकरीबन 30 साल पहले अपनी मदद आपके तहत बनाई थी और अभी तक वो चल रही है लेकिन वो बड़ी डैमेज खस्ता हाल है। मतलब आप लोगों ने खुद किया जो भी किया? जी खुद किया। तो समझते हैं ये आप लोगों की जिम्मेदारी है करना? नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है लेकिन हमारी जरूरत है, हम करते हैं, फिर अपनी जरूरत के तहत करते हैं, वरना और मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुश्किलें, और कचरा कुंडियां कोई भी नहीं है। इसके अलावा ये जो रोड है आप देख रहे हैं, रोड को अगर दिखा दें तो ये रोड तकरीबन जब भी बनता है तकरीबन 20-20 साल बाद बनता है, जब ये बनता है तो तकरीबन 2 माह चलता है बस, यानी कि इसको नाकिस मटेरियल होता है और उसके अंदर खुर्द बुद की जाती है और वो 2 माह से ज्यादा नहीं चलता, फिर वही खंडरात हो जाते हैं। मतलब पैसा तो पूरा मिलता है, काम आगे सही नहीं होता? काम जो है ना वो अगर 2 नंबर के हैं तो वो भी बेईमानी है, 6 नंबर काम होता है, मतलब 2 से भी आगे निकल गए, 6 नंबर काम होता है, 2 नंबर तो बहुत दूर की बात है, 2 नंबर हो तो वो भी साल चल जाए लेकिन ये तो 2 माह भी नहीं चलता और खराब हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं सच बताऊं, पता नहीं ये लोग यहाँ पे जिन इलाकों में मैं जाती हूँ अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से यकीनन गुजार रहे होंगे, क्योंकि जब मैं शो भी करने जाती हूँ तो मुझे पता चलता है वापस आके कि कितनी तकलीफें हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद जाने के बाद अपनी खुद बड़ी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि कचरे की वजह से जो स्मेल है, जो मच्छर है, जो टूटे हुए सड़क है जिसके ऊपर खड़ा होना मुश्किल है, पैरों के नीचे पत्थर आ रहे होते हैं, इसके लिए जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर सड़क और गलियां बन रही हैं तो वो 2 महीने में फिर से वही सूरत हाल क्यों हो जाती है, नाकिस मटेरियल क्यों यूज होता है, ठेका किस को दिया जाता है, देखा क्यों नहीं जाता, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता। इस पर काम अगर होगा तो यकीन करें कि बेहतरी जरूर आएगी। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना? मैं तो मुंशियात के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इधर मुंशियात घर घर में बिक रहे हैं मुंशियात। और दूसरी बात है, पुलिस वाला भी आते हैं, वो भी बिठा देते हैं आधा रास्ते में, छोड़ देते, कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? यही है कि मिला हुआ होंगे ना, पैसा लेके आगे छोड़ लेते हैं। दूसरी बात यही है कि घरों का कटर का जो टैंकी का ढक्कन है वो महफूज नहीं है, पानी का मोटर ही चोरी होता है, ये सारा ये कंदानिया वाला जो ये नशा नया निकला हुआ आइस वगैरह ये हर घर में होते हैं। और ये पीछे जैसा ये नाले है ना, जब से नाले टूटा हुआ है वो तो बिल्कुल बाजार बना हुआ है मुंशियात का। तो खरीदने वाले आते हैं यहाँ पे, खरीदने वाले भी है और पीने वाले भी है सारे। तो इसके खिलाफ मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो नया नस्ल है ये सारा तबाह हुआ है, नशा कर रहे हैं, नशे का पैसा नहीं है, उसके बावजूद वो चोरी करते हैं, तो यही है, कोई घर भी महफूज नहीं है इससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तालीम के बारे में जो है ना, यही है कि तालीम जो बच्चे है तालीम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल से जब आते हैं वो नाले का रुख करते हैं, वहाँ सारे ये नशाई मिलते हैं और नशाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये चीज जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। दूसरा, ये रोड जो है, आप लोगों ने इलाका थाने में कभी जाके कम्प्लेन नहीं की? ये जो आप अभी बता रहे हो ये कभी कम्प्लेन की है? कम्प्लेन तो सबसे ज्यादा होगी होगा, लेकिन यही है चंद लोगों को उठा देते हैं,
दो दिन दस दिन बारह दिन बाद फिर वो बाहर घूमते हैं, वो और चौड़ा होके फिर बेचना भी शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं आपको कितना नुकसान है इस चीज से, आपके बच्चों को, आपकी लेडीज निकलती हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है, आपके बच्चों का फ्यूचर किस तरह खराब हो सकता है, या बच्चे क्या सीख रहे हैं इन चीजों से, या आपको कितना खौफ है कि खुदा ना करे कि हमारे बच्चे भी कहीं इस लत में ना पड़ जाए, क्योंकि पूरा एरिया ही लपेटा हुआ है इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि घर तो इसलिए मैं पूछने के दरवाजे खिड़की बाहर है, औरत जांग के नहीं दिख सकते क्योंकि वहाँ नशा ही बैठा होता है। दूसरा बच्चा बाहर निकलता है तो हमारे को डर होता है कि बच्चा कहीं इस चीज में नहीं लगे, क्योंकि हम तो मजदूरी करते हैं दहाड़ी वाले है, तो हम मजदूरी करें या बच्चे का रखवाली करें, तो यही ये दरख्वास्त करते हैं कि ये बिल्कुल ये मुंशियात खत्म हो। ठीक है जी, ये स्क्रीन पे अब बात आ चुकी है, इलाके का नाम मैं बता चुकी हूँ, जो यहाँ का मसला है वो भाई ने आपको बता दिया। अब यहाँ पे किस तरह से काम होता है वो अब आप लोगों का काम है। हमारा काम कराची की आवाज का मकसद ये है शो का कि हर इलाके में जाके वहाँ के जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन पे दिखाना, और इदारों को, जिन जिनका ये काम है वो इस काम को करें और इनको इस मुश्किल से निकालें। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? हमारे इलाके में बेटा पानी नहीं है, बिल्कुल लेने बहुत है, पानी एक जरा। आप क्रिश्चियन आबादी में रहती हैं? हाँ, इसी आबादी में रहते हैं, ये गली में नीचे रहते हैं, पानी नहीं है, लेने बहुत गली हुई है, लेने डालने वाले रोज खुदाइयां करते हैं, रोज लेने डालते हैं, पानी एक गिलास भी नहीं है। बच्चे जो है हमारे प्यासे ऐसे जो है ना घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये भाई ने आपसे बात की है, मुनशियात भी बहुत है, बहुत। हम इतने अरसे से ये मसला इतना ज्यादा वो हुआ, ये तो कई साल हो गए हैं। बहरहाल अब जो है ना दो तीन महीने हो गए ना, पानी का एक घूट नहीं मिल रहा। ये देखो बच्चे बोतलें उठाई भी कभी कहाँ से लेते हैं, कभी कहाँ से लेते, हमें बहुत मजबूरी है, लाइट की बहुत वो है, परेशानी है, दस दस मरतबा लाइट जाती है, ढाई ढाई घंटे जाती है, क्या करें, बहुत मजबूर है हम लोग। मतलब बच्चों को अब ये नहीं होता कि स्कूल का जो होमवर्क मिला है वो करना है, सुबह स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, बच्चों को ये होता है कि बॉटल उठा के पानी भरने जाना है। मेरे शहर का जो फ्यूचर है वो अब बॉटल उठा के पानी भरने का है। अब कोई अगर इस तरह की बातें अगर करे ना आके स्क्रीन पे और माइक सामने रखा हुआ हो कि मेरा, मेरे मुल्क का फ्यूचर जो है ये न्यू जनरेशन है, तो मैं कहती हूँ मेरा शो एक बार देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मेरे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर आप लोगों ने क्या छोड़ दिया। और क्या कहना, 6 इंच की लाइन भी डली हुई है, 4 की भी डली हुई है, 8 की भी डली हुई है, लाइनों को हम चाटे, लाइनों को हमने क्या करने, जब पानी नहीं है, पानी नहीं है तो लाइनों को क्या करें। अपने अपने घरों में सब ले गए, बड़े जो हैं वो अपने अपने घरों में लेने डाल के ले गए, हम गरीब जो हैं बैठे हुए। मतलब जिनका एक, जिनकी एक अच्छी अगर समझ ले पीआर है या हाँ। बात कर सकते हैं या उनका कोई ओहदा है, उनके घरों में पानी, उनके घरों में पानी है, हमारे घरों में, गरीबों के घर में पानी नहीं है, एक जरा भी पानी नहीं। किस तरह से गुजारा कर रही है, पानी किस तरह से खरीदते हैं, महीने के पैसे देते हैं, खारा पानी कुआं का लेके पीते हैं, इतनी महंगाई में क्या करें हम। मैं तो कर भी नहीं सकती, मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, बेटा मेरा नहीं है, शोर मेरा नहीं है, पोतियां मेरी 4 हैं, यतीम मैंने अपने पास रखी हुई है, बेटा भी फोत हो गया, शोर भी फोत हो गया, मैं बहुत मजबूर हूँ इन लोगों की वजह से, इन पानी की वजह से, इन चीजों की वजह से बहुत मजबूर है हम लोग। अच्छा, ये सेवरेज का जो निजाम है खराब है, आपके घर में कितना प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से? बहुत प्रॉब्लम है, ये जो है पानी आ जाता है घरों में, 6-6 फुट पानी आ जाता है हमारे घरों में, 6-6 फुट, मतलब मेरी 5-6 है तो मुझसे भी ऊंचा पानी, बहुत ऊंचा पानी होता है, जाके देख सकते हैं हमारी दुआरें अभी भी सेजल में वो है घरों। मतलब अगर बारिश होती है लोग तो एंजॉय करते हैं बारिश में कि अच्छा मौसम है, पकोड़े चाय, और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे घरों में अब गटर का पानी आ जाएगा, बारिश का पानी आ जाएगा, गंद के उसमें है, गंद आता है हमारे घर में, कोई वो नहीं कर सकते हम उसको, पानी को निकालेंगे, अपने बच्चों को बचाएं, पानी निकालें, क्या करें, ना खाने का ना पीने का कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, यहाँ की जो सूरत हाल है इन्हीं लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा मुश्किलात में यहाँ जो ये लोग रह रहे हैं, इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, और इसी गंदगी में अगर ये रह रहे हैं तो कितनी बीमारियां इन लोगों को लग रही होंगी, और इतनी बीमारियां अगर लग रही है तो हमारे, मैं अपने शहर कराची की बात करती हूँ कि हेल्थ जो है, सेहत, अगर हम सेहत की तरफ जाते हैं और अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं तो हम, ये भी आप और मुझसे किसी से नहीं छुपा कि वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ कितनी आवाम है, और अगर इस तरह से भर भर के लोग जाएंगे तो क्या इलाज हो सकेगा इन लोगों का। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब लोकेशन चेंज हो चुकी है और मैं दूसरी लोकेशन पे आई हूँ। यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहूँगा इस कौशल न्याजी सोसाइटी के हवाले से कि सबसे बड़ा तो मसला यहाँ पानी का है। यहाँ 4 इंच की लाइन भी है, 6 इंच की लाइन भी है, लेकिन 4 इंच की लाइन में बिल्कुल पानी नहीं आता। 6 इंच में जो पानी आता है वो पूरी आबादी को, एक एक घर को नहीं पहुंच पाता। उसके लिए अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक 8 इंच की लाइन इस कलोनी के लिए अप्रूव करवाई, लेकिन उसे भी कुछ अनासर ने हाईजेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मसला, सबसे दूसरा मसला ये गंदगी के हवाले से, गटर लाइनें सीसी फ्लोरिंग हो गई है, गलियों की आप हालत देख सकती है, बिल्कुल खस्ता हाल है। रोड यहाँ टूट फूट का शिकार है, मोनजो धरो का मनाजिर पेश कर रहे हैं, और कचरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से रोज़ बा रोज़ इस एरिया के अंदर डेंगू मलेरिया के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों को शदीद परेशानी है। और उसके बाद इशू आता है यहाँ डॉग्स का, यहाँ इतने आवारा कुत्ते हो चुके। हमने मुतद्दद बाद केएमसी के लोगों से रिक्वेस्ट की, इन्होंने दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब किसी बच्चों को कुत्ते काटे भी हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है? तकरीबन 11 केस हो चुके हैं, 11 केस ऐसे हो चुके हैं, 11 बच्चों को काट चुके हैं डॉग्स ने, 11 बच्चों को, एक बच्चे का तो पूरा गोश्त निकल के बाहर आ गया था। ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, दफातर के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब यहाँ पे किसी भी अगर तौर पे देखें, किसी भी चीज में काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। गलियों की हालत देख ले आप, रोडों की हालत, कचरे का निजाम, कचरा कुंडी यहाँ कोई भी नहीं है। जिसका दिल आता है वो वहाँ कचरा फेंक के चला जाता है। यहाँ की वाम में भी उस तरह का शहूर नहीं है। उसके लिए हमें ये चाहिए कि एक डंप पॉइंट बनाना चाहिए, जहाँ पे डब्बे रखे जाए, और लोगों में एक शहूर उजागर करने की जरूरत है, ताकि वो कचरा डब्बों में डाला जाए, वो डब्बे उठा के केएमसी का अमला ले जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे जब से हम आए और यहाँ की सूरत हाल और जो सारी चीजें सुन रहे हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे कोई इंसान तो रह नहीं सकता, और जो रह रहे हैं वो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं इतनी मुश्किलात के साथ। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी मुश्किलात है जिंदगी की, जो बेसिक चीजें हैं जिंदगी गुजारने के लिए, वो ही इनको नहीं फराहम की जा रही। बिल्कुल आपने सही अहाता किया है, और तकरीबन 1.25 घंटे से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और मुख्तलिफ लोकेशन पे आप गई हैं, आपने आँख से देखा, आपने हमेशा इन आबादियों के साथ, ये कौशल न्याजी आबादी है, तकरीबन 50-60 इससे भी पहले की आबादी गुजर नाले के साथ आबाद की जाती है, उमन बड़े बंगलों के साथ होता है। ये हमारा क्राइटेरिया है कराची का, बड़े लोग भी अपने साथ एक आबादी बना देते हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल नहीं रखते, क्योंकि अपने घरों में उनको नौकर चाहिए होते हैं, गुलाम चाहिए होते हैं। साफ खुली बात बोलता हूँ मैं तो, बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, और इधर ना आबादी बढ़ती रहती है। अब आपने कहा छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटे छोटे पोर्शन में रह रहे होते हैं, एक एक घर में 5 से 6 बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, मसाइल बढ़ते रहते हैं। अभी आपने कच्ची, इन्होंने डम्सर, आप देखें डम्सर या मेन कोई नहीं है, छोटे 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 पॉकेट्स बने हुए कचरे, जैसे भी प्लॉट टूटा आपने देखा, उसके अंदर कचरा डाल के चले जाते हैं। कुत्तों के हवाले से आप ले लेते, जहर बात है, कुत्ते भी यहाँ पर इसीलिए आश्रय में पैदा भी होते हैं, रातें भी लोग खाना डाल देते हैं, तो यहाँ उनकी आबादी भी बढ़ रही है साथ साथ में, लेकिन उनको पकड़ने का और उनको किल करने का उसके वाले से कोई सिस्टम मौजूद नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पानी का इशू है तो कुत्ता काट जाए तो वो वैक्सीन है? ये तो छोड़ नहीं, तो बेचारे गरीब भाई से मैं पूछना भूल गई कि यारा जब बच्चों को कुत्ते ने काटा तो वैक्सीन मिली? क्योंकि कुत्ता तो हमने पकड़ना नहीं है, तो वैक्सीन तो रखी हुई होगी ना, या वो भी नहीं रखी? बताता हूँ, देखिए अब्बासी शहीद सब भागते हैं सीधा, अब्बासी शहीद का हाल आपको पता है, आप इतने प्रोग्राम करती रहती है, अब्बासी शहीद में क्या मिलता है? वो सब सड़क पे मिलता है, बाहर रोड के ऊपर। अब्बासी शहीद एक डॉक्टर मिल जाता है, बड़ी बात हो जाती है, वहाँ एक एक्सरे हो जाता है 2 रुपए में या 5 रुपए में, बड़ी बात हो जाती है भाई। इसके ऊपर, इस अब्बासी के ऊपर ये पूरा सेंट्रल चल रहा है, और बल्कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहीं लाए जाते हैं। अच्छा, एक तो ये डॉग्स का हो गया इशू, पानी के हवाले से ले तो यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पीठ के पीछे ये आबादी है। अच्छा, पीछे गुजर नाला है वो, उनको तो मिल रहा है ना, इनको नहीं मिल रहा, धैर्य बात, उनके ही हक पे डाका डाला जा रहा होता है। वो कच्ची आबादी है ना, तो कच्ची आबादी कम से कम आप कब्जे नहीं करो, उनको तो बढ़ने दो। अच्छा, एक मैं बताऊं, जो सबसे ज्यादा इस आबादी के साथ, यानी कराची की हर आबादी के साथ एक जुल्म होता है, इनको क्या करते हैं, बड़ी आबादी के साथ, यानी मेन आबादी के साथ रहमो करम पर डाल देते हैं, टुकड़े डाल देते हैं।
अच्छा मैं बताऊँ आपको, ये कौशल न्याजी स्टार्ट होती है सज्जादी इमाम बारगाह से लेके और ये बत्तार टाउन तक जाती है। आप मुझे 70,000 के ऊपर उन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई, आज तक 70 साल में किसी ने इनको अथॉरिटी नहीं दी। ये आप बत्तार टाउन तक चले, उनको एक यूसी बनानी चाहिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, एक यूसी इनको बनानी चाहिए, इनके नुमाइंदे इसी आबादी में से हो तो फिर ये अपना ख्याल कर सकते। इनको वार्ड की सूरत में टुकड़ों के ऊपर टुकड़े डाल दिए होते हैं, जैसे किसी को बाहर लवास्ता उसको टुकड़े डाल देते, उस टुकड़े के ऊपर इनको छोड़ दिया है। इनकी अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए इस आबादी की, बत्तार टाउन से लेकर और सज्जादे, ये पूरी 70 से 75 हज़ार की अगर आपने बड़े हल्के बनाए हैं तो सर इसमें डाले ना, इनको दो, इनकी अथॉरिटी दे, इनका चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन का पूरा 11 का पैनल है, फिर ये अपनी जदोजहद लड़ेंगे मुख्तलिफ। अच्छा ये भी नहीं कोई एक आबादी का होल्ड है, नहीं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ कम्युनिटी लोग यहाँ पर बहुत ज़हनियत मांगी है, मोहब्बत साथ रहते, कब भी आप हमारी आबादियों में चले वहाँ झगड़े होते होंगे, वहाँ आपको 10 फड्डे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अपनाइयत ज़्यादा इनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं लफाजियाँ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आप बता रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर इनका फड्डे हो रहे होते तो ये रह नहीं पा रहे होते इतनी आसानी से। तो आप भी यहाँ सुकून से खड़े हैं और खामोश पिन ड्रॉप साइलेंस आप देख रही हैं तो क्या वजह, इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, इसका मतलब ये कि ये शऊर वाले लोग हैं, इनको क्या कहते हैं शऊर से हटा दिया गया इनको, कि इनको शऊर की तरफ जाने ही नहीं देते, इनको इतना उलझा दिया आपस में। मेरी गुजारिश है हुकूमत सिंध से, बल्दियात के मिनिस्टर साहब से, कि इनकी एक हल्का बंदी इनकी खुद की करी जाए, जो ये अपनी अथॉरिटी लें, अपना फंड लें, अपने सारे मामला देखेंगे, बड़े आदमियों के घर के पीठ के पीछे ही आबादी है पूरी। मेरा मकसद कहने का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनकी अपनी एक हल्का बंदी हो और इनकी अपनी एक यूसी हो पूरी, कि अपनी जंग खुद लड़ें, किसी के रहमो करम पर ना रहें, ना किसी सियासी पार्टी के रहमो करम पर और ना ही किसी हुकूमती उसके रहमो करम, अपनी जंग लड़ेंगे या खुद आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, अब तक के लिए इतना ही, अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।